हेलो एंड वेलकम बैक टू द एक्यूरिस्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो प्लम्बिंग का पार्ट टू होने वाली है। जो इस वाले एक्यूरियम की मैंने प्लम्बिंग करी थी उसका ये पार्ट टू है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये वो छोटा सा डिवाइस पूरे ओवरफ्लो सिस्टम को रिप्लेस कर देता है। और ये एकदम छोटा सा डिवाइस आपको जो ड्रिल से छेद करते हैं अपने एक्यूरियम में, वो बहुत ज़्यादा रिस्की और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो उसको कैसे रिप्लेस करता है, कैसे सारे ओवरफ्लो सिस्टम को रिप्लेस करता है, ओवरफ्लो बॉक्स, ओवरफ्लो हैंग ऑन बॉक्स, ओवरफ्लो पीवीसी पाइप, ओवरफ्लो इंटरनल एक्सटर्नल ओवरफ्लो बॉक्स, तो उन सबको कैसे ये रिप्लेस करता है, तो वो इसकी पूरी प्रोसेस, इसकी पूरी वर्किंग में इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपको इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, और उसकी जो बाय करने की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां पर जाके आप इसको बाय भी कर सकते हैं। और इसका पूरा मैकेनिज्म और पूरी प्रोसेस और वर्किंग सब कुछ बताने वाला हूँ। और जो मेरी पुरानी प्लम्बिंग है इसमें टेम्परेरी पाइप्स की, वो सब हटा के दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में। और जो मैंने प्लम्बिंग करी है उसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा, कैसे कहाँ से कैसे पानी जाएगा, आपको क्या करना होगा, कैसे इफिशेंटली रन होता रहेगा, तो वो सब इस वीडियो में होने वाला है। और क्यूरिंग टाइम, जो मैंने इसमें येलो कलर के पेस्ट से जो पाइप चिपकाए थे, जो सोल्यूशन यूज़ किया था, तो उसका क्योरिंग टाइम क्या होता है, उसको क्योर कैसे करना होता है, अगर आप क्योर करे बिना अपने एक्यूरियम में लगा देते हैं तो फिशेस को क्या हार्म वगैरह हो सकता है, तो वो सब इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले आपको करके दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसको अनबॉक्स करने के बाद हम लोग को सबसे पहले इसमें एक टेफ्लॉन टेप, फिर एक अपना ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व देखने को मिल जाता है, फिर एक एल देखने को मिल जाता है, और एक यूज़र मैनुअल जिसमें पूरा लिखा है कि कैसे अपन को इसको यूज़ करना है और उसमें क्या किस किस चीज़ में ये यूज़ आ सकता है। चलिए इसको अब बॉक्स को हटा देते हैं साइड में, और आपको दिखाते हैं ये अपना ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये नीचे से वाटर जाएगा तो उसको रोकेगा वाटर को, और साइड में एक नेट लगी हुई है इसके। तो चलिए अब करते हैं प्लम्बिंग कंप्लीट, जो अधूरी छोड़ी थी प्रीवियस वीडियो में वहीं से पूरा कंप्लीट करते हैं, और लगाते हैं ये वाला डिवाइस, और जो मेरी पुरानी प्लम्बिंग है उसको भी हटाते हैं, और साथ ही साथ उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे क्या वर्क करेगा, कहां से कैसे वाटर आएगा, कहां से अपन को सक्शन बनाना होगा, और फिर उसके बाद मैं आपको उसको पूरा वर्क करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं ये सब। इस प्लम्बिंग को क्योर होने के लिए मैंने इसको सबसे पहले धूप में रखा था, क्योंकि जो येलो कलर का सब्सटेंस जो सोल्यूशन यूज़ किया था इसमें, उसको क्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद मैंने इसको पानी में डाला, रहने दिया अराउंड 4 से 5 दिन। तो फिर उसके बाद मैंने इसको अपने एक्यूरियम में यूज़ किया, और एक्यूरियम में यूज़ करने के बाद हर एक दिन बाद मैं अराउंड 50% वाटर भी चेंज कर रहा था। 2 से 3 दिन तक वाटर चेंजेस किए मैंने, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो वो अपने फिशेस को हार्म ना कर पाए। तो चलिए अब अपनी बची हुई प्लम्बिंग कंप्लीट करते हैं, और ये ओवरफ्लो वाल्व है, जो ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व, उसको लगाते हैं अपनी प्लम्बिंग में, जो कि बचा हुआ था जो पार्ट, उसको कंप्लीट करते हैं।
और अब जो पुरानी प्लम्बिंग थी जो टेम्परेरी पाइप से थी, जो रबड़ वाले पाइप आते हैं, गार्डन पाइप भी बोलते हैं अपन जिनको, तो उनसे मैंने करी हुई थी पुरानी प्लम्बिंग, तो उसको हटाते हैं पूरा और पूरी नई वाली रन करके दिखाते हैं अब आपको। तो दोस्तों हमारी प्लम्बिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ब्लू कलर का ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व है ये भी लग चुका है, और इसकी अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं आपको इसको पूरा स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। और अभी तो मैं चलिए इसकी पूरी प्रोसेस बताते हैं, सब लोग इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ होंगे मैक्सिमम लोग के, मैंने इसमें दो इनलेट्स क्यों दिए हैं, एक ये ऊपर वाला इनलेट, एक ये वाला इनलेट और एक ये नीचे वाला इनलेट, तो सब लोग ये सोच रहे होंगे तो ये दो क्यों दिए गए हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है एक, और एक ये जो है ये आउटलेट है सम्प का और ये इनलेट है एक्वेरियम का, यहाँ से पानी जाएगा पूरा, ये पानी उ जाएगा और यहाँ से सीधा अपने मेन एक्वेरियम के अंदर होगा पानी, और यहाँ से ये पानी आएगा पूरे एक्वेरियम में, उसके थ्रू उसको होते हुए पानी अपने फर्स्ट सेक्शन में जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सेक्शन में इसका आउटलेट है पूरा, और अभी ये आप देख सकते हैं मैं बंद करके रखा हूँ, ये पानी बढ़ रहा है और अभी देखना ये पानी भरना बंद हो जाएगा, जैसे पानी इसने टच किया पानी को, पानी ने इस डिवाइस को जैसे टच किया, अभी पानी इसमें थोड़ा सा डूबेगा ये डिवाइस, और वैसे ही पानी फिल होना इसमें बंद हो जाएगा एक्वेरियम में, अभी आप देखिएगा, देखिए पानी ने यहाँ पर टच किया इस वाले डिवाइस को, और वाटर लेवल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ना एकदम बंद हो गया है, वाटर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, ये रुक गया है। तो यही मेन सिस्टम था पूरा इसका, जो कि ओवरफ्लो सिस्टम में काम आएगा कि नीचे पानी नहीं फैलेगा जब भी आपका कोई पावर आउटेज वगैरह होगा। तो चलिए पहले तो आपको इसकी पूरी प्रोसेस करके बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है इस प्लम्बिंग की पूरी प्रोसेस। तो ये है आउटलेट अपने मेन एक्वेरियम का, जो अपना मेन एक्वेरियम में देख सकते हैं इसमें फिशेज वगैरह सब है, मेलोस्कस वगैरह। तो आप ये वाला जो पाइप देख रहे हैं जैसे फॉर्म लगी हुई है ब्लैक कलर की, तो इस फॉर्म को यहाँ पे लगाने के दो रीजंस हैं। पहला तो जो मेरा ओवरफ्लो वाल्व है जो ब्लू कलर का जो मैंने डिवाइस लगाया है ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व, उसमें एक छोटी सी नेट लगी हुई है अंदर, तो वो ब्लॉक ना हो जाए इसलिए यहाँ पे पहले से ही रोक दिए हैं सारे बड़े जो कचड़े होंगे इस एक्वेरियम के, वो सब जो बड़ा वेस्ट होगा वो सब यहीं रुक जाएगा। और दूसरा जो कि बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे लगाने का इस फॉर्म को, ये कि सम्प से फॉर्म निकाल के क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो मेन अपन जो लेट रहता है सम्प का वहाँ पर डालते हैं वाली फॉर्म, तो वो थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन मेन टैंक से निकाल के क्लीन करना बहुत ज़्यादा इजी रहता है, तो इसलिए मैंने यहीं पे लगा दिया। और बार बार इसको हर हफ्ते में एक से दो बार क्लीन करता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा इफिशियंटली वर्क करेगा सब कुछ। और फिर यहाँ से जाता है पानी इसके अंदर, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ अभी। और ये वाला पाइप जो है, तो ये ऊपर का जो इनलेट है वो इस वाले पाइप से कनेक्टेड है, ये वाला जो पूरा पाइप है ये आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि दो इनलेट्स दिए हुए हैं मैंने, एक ये नीचे जिसमें ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, एक ऊपर वाला सिंपल जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ एक वाटर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, इस वाटर स्टॉपर जिसको अपन बोलते हैं, एक ये दो लगे हुए हैं, एक नीचे वाले सेक्शन में एक ऊपर वाले सेक्शन में। तो सब लोग यही कन्फ्यूजन होंगे कि मैंने इसमें दो इनलेट्स क्यों दिए हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो फ्रेंड्स पहले सबसे पहले ऊपर पानी नीचे आएगा, पानी टैंक से पानी नीचे आएगा, और पानी होते हुए इस वाले ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व से होते हुए इस वाले पाइप में आएगा, और ये पाइप ले जाएगा पानी को सबसे फर्स्ट चैम्बर में अपने सम्प के, और फिर पूरे जो सम्प की साइकिल होती है वो होगी। और आपको अगर सम्प की साइकिल नहीं पता है और सम्प नहीं पता है क्या होता है, तो मैं आई कार्ड पे यहाँ पे आई कार्ड पे एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप मेरी सम्प की वीडियो देख सकते हैं, पूरे प्रोसेस उसमें सम्प का मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ से पूरा पानी आएगा, फिर पानी अपने लास्ट चैम्बर तक पहुँचेगा, और लास्ट चैम्बर में पहुँचने के बाद जो ये मेरा पावर हेड लगा हुआ है, ये पावर हेड इस वाले पाइप के थ्रू, ये वाला जो पाइप है, ये वाला पाइप जो जा रहा है पीछे, ये ऊपर जा रहा है, और ये होते हुए पूरा यहाँ से पानी अपना टैंक में आएगा। तो ये है इसकी पूरी प्रोसेस। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने वहाँ पे एक दूसरा सेक्शन पे इनलेट क्यों दिया हुआ है, और अभी मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसको पूरा वर्क करके भी दिखाऊंगा आपको वीडियो के आगे जस्ट इसी के बाद। तो जो ये मेरा दूसरा सेक्शन है जो कि मैंने इसमें दिया है ऊपर वाला, तो ये मैंने इसलिए दिया है ताकि इस वाले पाइप के अंदर अपन को पूरे में सक्शन बनाना पड़ेगा, जब भी अपन को इसको स्टार्ट करना होगा पहली बार, तो उसको सक्शन बनाने के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये वाला पाइप से अपन सक्शन बनाएंगे इसमें, तो सक्शन बनाते साथ ही ये वर्क करेगा। इसमें अभी ऑलरेडी सक्शन है और मैं यहाँ से पूरा बंद करके रखा हूँ ये वाल्व,
तो इसमें अभी वाटर नहीं आ रहा है, जैसे ही मैं इसको खोल दूंगा यहाँ से तो इसमें वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा। और नीचे वाला अगर आपको कभी भी कुछ भी काम करना हो, आपको वाटर इसमें आना बंद करना है, तो आप यहाँ से इस वाले कंट्रोलर से इसको भी बंद कर सकते हैं इसकी कुछ इस तरीके से, तो वाटर बंद हो जाएगा और फिर इसको खोल दीजिए तो वाटर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी आपको इसमें सक्शन बनाना हो तो सबसे पहले इसको बंद कर दीजिए यहाँ से और इसको ओपन कर लीजिए यहाँ से। इसको मैं भी ओपन करूँगा तो यहाँ से पानी आ जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी सक्शन बना हुआ है। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, देख सकते हैं अब इसमें पानी आ गया है, देख सकते हैं इसमें वाटर आना स्टार्ट हो गया है। और अभी मैं इसको बंद करना होगा क्योंकि पहले से सम बहुत पूरा भरा हुआ है मेरा, और ये सम्प ओवरफ्लो इसलिए नहीं कर रहा। और ये इसको भी अगर मैं ओपन कर दूंगा इस वाले को तो पानी यहाँ से आना स्टार्ट है, जैसा कि आपने देखा कि सक्शन पूरा कंप्लीट है और वाटर भी आ रहा है और मैंने नीचे वाला जो वाल्व है वो भी खोल दिया है, लेकिन मेरा जो वाटर है वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। आप ये देख सकते हैं, यही मेन चीज़ है इस वाले ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व की, कि वाटर को ये ओवरफ्लो नहीं होने देता। जैसे ही लेवल जो वाटर लेवल है वो इस वाले वाटर कंट्रोल वाले डिवाइस से ऊपर जाता है हल्का सा ही, वैसे ही ये वाटर की इनलेट होती है जो वो रोक देता है पूरी तरीके से, तो इसके थ्रू ये ओवरफ्लो नहीं होता है। जो मेन काम होता है ओवरफ्लो बॉक्स का, कि जो पानी नीचे जाए वही पानी ऊपर, जो नीचे जाए वही पानी वापस ऊपर आओ, वही पानी फिर से वापस नीचे जाए, जो कि पूरी साइकिल रहती है, तो उसको कंप्लीट कर सकता है अपना ये वाला ओवरफ्लो वाल्व। तो इस तरीके से पूरा काम करता है। देख सकते हैं मैंने बाहर भी रख दिया, अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो सब कुछ पूरा अच्छे से वर्क कर जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सक्शन बनाने के लिए, आप इसको माउथ से भी सक्शन बना सकते हैं या आप इसमें डायरेक्ट कोई भी पाइप लगा के अपने जो टैप होता है उससे लगा के इसमें सक्शन बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इससे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इससे आप अपने एक्वेरियम के वाटर चेंजेस भी कर सकते हैं बहुत इजीली। इसमें आप पाइप लगा के पहले से बाहर निकाल दीजिए पानी पूरा खोल के इसको, और फिर बाद में इसमें पाइप लगा के वापस भर दीजिए पानी, तो पूरा वाटर चेंजेस भी इसके थ्रू हो जाएंगे आराम से आपके। तो ये दो चीज़ों में बहुत अच्छे से काम लेगा। और अगर आपको इसमें अपने मुँह से सक्शन बनाने में कुछ दिक्कत है तो फ्रेंड्स आप रियल हॉबिस्ट नहीं है, सॉरी। बट फ्रेंड्स अगर आपने अपने एक्वेरियम का वाटर टेस्ट नहीं किया अभी तक तो आप रियल हॉबिस्ट नहीं है, क्योंकि जिसके पास भी एक्वेरियम होता है वो एक बार अपने एक्वेरियम का वाटर टेस्ट करना ही पड़ता है, उसको ना चाह के भी करना ही पड़ता है, क्योंकि अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी अपन को सक्शन बनाना होता है तो वाटर तो थोड़ा बहुत जाता ही है, और बार बार कोई टैप पर लगा के नहीं बनाता है सक्शन, इसलिए। तो ये रही इसकी पूरी प्रोसेस के, मैंने बता दिया इसका क्या काम है, इस वाले ओवरफ्लो बॉक्स का क्या काम है, इन वाले वाल्व का क्या काम है, इस वाले पाइप का क्या काम है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए इसको मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वर्क करना स्टार्ट कर दिया, पानी अपना ऊपर आने लगा है और वाटर अपना इस वाले पाइप के थ्रू ओवरफ्लो वाल्व के से होते हुए पानी अपना फर्स्ट सेक्शन में जा रहा है, और फर्स्ट सेक्शन से धीरे धीरे करके आ रहा है। आप देख सकते हैं पानी आपको हिलता हुआ दिखाई देगा यहाँ से, अभी पूरा सम भर गया था इसलिए थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे, अभी ये भी पूरा लेवल पे आ जाएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से पानी आ रहा है इस वाले सेक्शन से, इस वाले सेक्शन में गिर रहा है पानी, तो हल्का सा पानी हिलता हुआ आपको दिखेगा। और आपको यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ, अभी ये देखिए पानी आ रहा है यहाँ पे, तो ये वर्क कर रहा है मतलब, और वाटर जो है अपना इसके होते हुए वापस जा रहा है ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वापस आ रहा है वाटर अपना। अब करते हैं इसका पावर कट, तो जैसे इसकी पावर कट होगी तो वाटर ऊपर जाना बंद होगा, और आपको मैं दिखाता हूँ पावर कट करके। तो यहाँ से मैं करूँगा पावर कट, अब देखिएगा, तो ये मैंने कर दिया इसका पूरा पावर कट, और अब इसमें वाटर होगा फिल होना चालू होगा इसमें वाटर, आप देख सकते हैं इसमें वाटर फिल होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वाटर फिल होना बंद हो गया है पूरा, और ये क्यों हुआ है, ये वाला जो ओवरफ्लो वाल्व है अपना ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व, जैसे ही वाटर इससे इसके हल्के से आधा इंच ऊपर हुआ है वैसे ही इसके अंदर एक बॉल पड़ी हुई है, वो बॉल फ्लोट हुई और ऊपर इसमें एक एयर का होल है अंदर इसके,
वो होल बंद हो जाता है एयर का, जैसे ही वो बॉल ऊपर होती है तो रबड़ के थ्रू वाला एयर का होल बंद हो जाता है, जिसके थ्रू इसके अंदर वैक्यूम बनता है पानी की वजह से, और वो एकदम अपने आप को बंद कर लेता है ऊपर जाके, पूरा एकदम वैक्यूम से काम होता है इसके अंदर। तो इस तरीके से वाटर रोक देता है, और आप देख सकते हैं वाटर फ्लो ना इसमें बंद हो गया। तो ये इसने इस तरीके से पूरा ओवरफ्लो सिस्टम जो है वो एकदम कंट्रोल कर लिया है, सब कुछ एकदम अच्छे से कंट्रोल कर लिया, और बहुत अच्छी तरीके से रिप्लेस भी किए हैं ओवरफ्लो सिस्टम जो एक्वेरियम में यूज़ होते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो अमेज़ोन पर डला है, तो उसमें स्पेशली ये एक्वेरियम यूज़ के लिए भी लिखा हुआ है उसमें कि एक्वेरियम में आप यूज़ ले सकते हैं। तो ये एकदम सेफ भी रहेगा अपने एक्वेरियम्स के लिए, और बहुत ज़्यादा इफिशियंटली वर्क भी कर रहा है। मैं अराउंड एक हफ्ते से वर्क कर रहा हूँ इसको, एक हफ्ते से लगाया हूँ अपने एक्वेरियम में, पूरा बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ये। और अभी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको आगे वीडियोस में या इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दूंगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है। मुझे लग तो नहीं रहा है कि कोई भी दिक्कत मैं फेस करूंगा इससे, तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से हुआ है। अब मैं इसको वापस ऑन करके दिखाता हूं आपको, फिर से पूरा अच्छे तरीके से वर्क करने लगेगा। ये मैंने ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं पानी जो है वो नीचे जाना स्टार्ट हो गया है। पानी यहाँ से नीचे जा रहा है, और इस वाले पाइप के होते हुए पानी अपना ये ऊपर आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और ये जो पूरी फिटिंग है वो मैंने आधे इंच पाइप से करी हुई है, पूरी आधे इंच पीवीसी पाइप से, यूपीवीसी। तो यही थी इसकी पूरी प्रोसेस और वर्किंग। तो कुछ इस तरीके से इस वाले ओवरफ्लो वाल्व ने, ओवरफ्लो कंट्रोल वाल्व ने अपना काम कर दिया, पूरा ओवरफ्लो सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। सारे ओवरफ्लो सिस्टम जितने भी होते हैं पूरा रिप्लेस कर दिया है इसने। तो मैंने एक और मंगा के रखा है, क्योंकि मैं 6 फीट वाले के अभी जो है वो प्लम्बिंग इसी से करने वाला हूँ पूरी। तो दोस्तों मुझे इसको रन करते हुए, इस वाले पूरे सिस्टम को जो मैंने बनाया है प्लम्बिंग का, और ये वाला डिवाइस जो यूज़ करके लगाया है, इसको मैंने यूज़ करते हुए अराउंड मुझे एक हफ्ता हो चुका है ऑलरेडी, और ये एकदम एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ आगे अबाउट 1 महीने 2 महीने, कभी मैं इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम फेस करता हूँ, तो मैं ज़रूर अपडेट दूंगा अपने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब पे भी। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ, बिहाइंड द सीन्स डालता रहता हूँ, स्नीक पीक देता रहता हूँ आगे आने वाली वीडियोज़ के, और बहुत सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो सब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे होते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाके मुझे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 अकाउंट्स हैं, एक एक्यूरिस्ट वर्ल्ड और एक प्रवेश चौरसे। एक्यूरिस्ट वर्ल्ड वाले पे पूरे इस वाले चैनल के रिगार्डिंग सब कुछ चलता है, और प्रवेश चौरसे वाला मेरा फोटोग्राफी पेज है, मेरी फोटोग्राफी भी हॉबी है, तो वहाँ भी आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शेयर कर देना सारी फ्रेंड्स में जिसको भी आप जानते हो, हॉबीस्ट, अपने दोस्तों, जो भी एक्यूरियम से रिगार्डिंग थोड़ी बहुत भी नॉलेज पाना चाहता है तो उसके बिल्कुल शेयर कर देना। जो सम से बहुत ज़्यादा परेशान है, सम में अब ओवरफ्लो सिस्टम नहीं बना पा रहा है, सम उसका इफिशियंटली वर्क नहीं करता है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है उसकी वाली वीडियो। सच में ये डिवाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि। तो फ्रेंड्स यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।